भागलपुर नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात सोना मैरिज गार्डन। आप उत्सव मनाए, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नौगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7979489821। नवगछिया काली मंदिर में मां कालिका का भव्य श्रृंगार लगा 56 भोग। नवगछिया बाजार स्थित माता दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में पूषी अमावस्या के अवसर पर मां का भव्य श्रृंगार पूजन किया गया। पूजन के बाद पंडित आचार्य श्री रामजी मिश्रा के नेतृत्व में अन्य पंडित विद्वानों के द्वारा मंत्रोपचार कर माता का 56 भोग लगाया गया एवं मंदिर परिसर में 11 बजे से अन्य विद्वान पंडितों द्वारा चंडी पाठ किया गया। साथ ही नामचीन कलाकारों द्वारा भव्य भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। वहीं संध्या में माता रानी के दरबार में 51 दीप जलाकर दीपोत्सव भी मनाया गया एवं संध्या 6 बजे माता रानी की भव्य महाआरती एवं प्रार्थना कर महाप्रसाद वितरण कर इस कार्यक्रम का समापन किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मंदिर के आचार्य श्री रामजी मिश्र, भोला शर्मा, राजेश भगत, पंकज कुमार भारती, अजीत पटेल, सुमित भगत, मोहन पोद्दार, कल्लू कुमार, अभिषेक कुमार, शंभु चिरानिया, कैलाश चिरानिया, मिलन सागर एवं अन्य सभी श्रद्धालु लगे रहे। मंदिर में दिन भर भक्तिमय माहौल बना रहा। सैकड़ों की संख्या में भक्त माता रानी की पूजा में लगे रहे। भगवती का पूषी अमावस्या पे हम लोग 56 भोग के उपरांत पंच ब्राह्मणों के द्वारा भगवती चंडी का पाठ करवाते हैं। उसके बाद माँ का 56 भोग होता है, पूजन होती है। उसके बाद संध्या दीपोत्सव उत्सव होता है। दीपोत्सव के उपरांत माँ का महाआरती होता है। उसके बाद प्रसाद वितरण होता है, जिसमें भजन संध्या भी होती है। यह इस बार जो है ग्रहणकालीन लेकर करके समय का अभाव में हम लोग समय से पूर्व किए, अन्यथा अभी भजन संध्या होते रहती। माँ का 8 बजे 9 बजे आरती होता, और जिसमें लोगों का काफ़ी श्रद्धा रहता है। मेरा नाम रमाकांत मिश्र, ऐसे लोग नाम रामजी बाबा के नाम से जानते हैं। मैं काली मंदिर भगवती दक्षिणेश्वर काली मंदिर का पुजारी हूँ, पूर्व था और अभी भी हूँ। मेरे पिताजी थे, उसके आगे और वंशज थे। आज अमावस्या के पावन अवसर पर 56 भोग का आयोजन किया गया दक्षिणेश्वर काली मंदिर नवगछिया में। यहाँ 56 भोग माता को लगाया गया। भक्तजनों का आवागमन निरंतर बना रहा। एक से एक भजन के कलाकार यहाँ उपस्थित रहे और भव्य आयोजन और लास्ट में जो है माँ का पावन भंडारा, खिचड़ी, खीर का प्रसाद इत्यादि, ब्राह्मण भोजन वगैरह वगैरह सारे कार्य संपादित हुए। पंडित के पुजारी पंडित श्री रमाकांत मिश्र के सानिध्य में यहाँ का सारा कार्य सांगोपांग संपादित हुआ। आपका परिचय? मैं वैदिक ललित शास्त्री। आज के इस कार्यक्रम के बाद देखिए, आज का यह कार्यक्रम पूषी अमावस्या का कार्यक्रम था और यह विगत 6 वर्षों से होता जा रहा है। माँ का एकदम भव्य दरबार और 56 भोग का साथ में भजन संध्या का भी कार्यक्रम था। आसपास के इस पूरे इलाके में इतना भव्य कार्यक्रम, लोग वर्षों तक इंतजार करते हैं कब पूषी अमावस्या आएगा और हम लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। आप देख सकते थे कि कार्यक्रम के जिस समय कार्यक्रम आरती महाआरती हो रही थी, उस समय कहीं भी पैर रखने का जगह नहीं था। आपका परिचय? सुमित कुमार भगत। नवगछिया अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर योग द्वार में हवन का कार्यक्रम। श्री दीप योग द्वार
नगरा में तुलसी पूजन दिवस एवं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 95वें जयंती के अवसर पर योग शिक्षकों द्वारा हवन किया गया। वहीं मौके पर अनुमंडल योग प्रभारी सुजीत चौधरी, धरणीधर सिंह, शरद योगी, सुनील सिंह, सनी चौहान, दीपक सांडिल्य, मानस, अरुण, पिंटू, सुशांत, सानू, अंकिता, वैदही देवी सहित कई योग शिक्षक व शिक्षिका सहित दर्जनों बच्चे मौजूद रहे। नवगछिया, अटल जी के जन्मदिन पर फलों का किया गया वितरण। नवगछिया नगर में नगर अध्यक्ष कौशल जायसवाल की अध्यक्षता में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर पुष्पांजलि कार्यक्रम गोपाल गौशाला में किया गया। इस अवसर पर फल का वितरण अनुमंडलीय अस्पताल के मरीजों के बीच किया गया। मौके पर भाजपा नेता सुबोध सिंह कुशवाहा, आलोक सिंह, अजीत सिंह, नंदनी सरकार जायसवाल, उपेंद्र यादव, मुरारी चिरानिया, प्रवेश कुमार यादव, जेम्स फाइटर, नन्हे सिंह, सूरज महतो, प्रेम जायसवाल सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया, मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। नवगछिया के गोदावरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर में बुधवार को पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का धूमधाम से जन्मदिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य लाल बाबू राय ने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन वृत्त एवं 1962 में हुए चुनाव बिंदुओं पर चर्चा किया। अपने विचार को रखते हुए आचार्य शिवशंकर ने अटल जी की समता दृष्टि पर अपने विचार को रखा। वहीं मौके पर कई आचार्य ने अटल बिहारी वाजपेयी एवं महामना मालवीय जी के जीवन वृत्त को बताया। मौके पर सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं कई बच्चे मौजूद थे। आज जिस दिशा निर्देश में भारत के लोग चल रहे हैं और इन्हीं का वह संकल्प के चलते भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का शपथ ली। नवगछिया, युवा मोर्चा ने लगाया रक्तदान शिविर। भारतीय जनता युवा मोर्चा नवगछिया के द्वारा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के मौके पर नवगछिया जिला भाजपा कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर आयोजन के पूर्व पार्टी कार्यालय में अटल जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। इस दौरान नवगछिया जिला संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित किया और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में सबों ने अपनी बातों को रखा। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल, भाजयुमो जिलाध्यक्ष अजय कुशवाहा, नरेश प्रसाद शाह, मनोज मंडल, रमेश राय सहित कई अन्य मौजूद थे। अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नौगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा, NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नौगछिया। मोबाइल नंबर 9065282725। आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया, कक्षा नर्सरी से अष्टम तक बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह, हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437। 9934264437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें। आवासीय विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया, कक्षा नर्सरी से दसवीं तक। हमारी विशेषताएं स्मार्ट क्लास, CCTV परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ। हमारा पता है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, NH 31 नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093047333, 73861 IAS IPS फाउंडेशन क्लासेस, अब कक्षा 6-7 से ही UPSC की तैयारी शुरू। एक बार जरूर पधारे प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल। नवगछिया, दिल्ली इंटरव्यू देने जा रहे छात्र का ट्रेन से कटा पैर।
नौगछिया स्टेशन पर बुधवार को दिल्ली इंटरव्यू देने जा रहे खरीक थाना क्षेत्र के बिसपुरिया निवासी बिंदेश्वरी सिंह के पुत्र अखिलेश कुमार का पैर ट्रेन की चपेट में आने से कट गया। दुर्घटना के बाद नौगछिया स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ एवं जीआरपी ने गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ घायल युवक का प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया। युवक का एक पैर कट गया है। जानकारी के अनुसार युवक अखिलेश कुमार का दिल्ली एम्स में नौकरी के लिए इंटरव्यू था। उसी इंटरव्यू के लिए वह नौगछिया स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए आया था। नौगछिया से वह खगड़िया जाता, खगड़िया से वह दिल्ली के लिए दूसरा ट्रेन पकड़ता, लेकिन नौगछिया स्टेशन पर जब पैसेंजर ट्रेन आई तो ट्रेन में भीड़ होने की वजह से ट्रेन के अंदर नहीं जा पाया। वह गेट पर ही रह गया। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन के नीचे गिर गया और उसका एक पैर पहिए के नीचे आ गया, जो ट्रेन का पहिया चढ़ने के साथ ही कट गया। इस घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। युवक को अस्पताल में भर्ती करने के साथ ही पुलिस ने युवक के परिजनों को सूचित किया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार घायल युवक की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। नौगछिया के खरीक में जान मारने की नियत से गोली फायरिंग करने का आरोप एसपी को दिया आवेदन। नौगछिया पुलिस जिला के खरीक थाना क्षेत्र के खरीक बाजार निवासी अबुरकर सिद्दीकी ने खरीक बाजार निवासी मोहम्मद इरशाद आलम एवं मोहम्मद निसार आलम पर जान मारने की नियत से गोली फायरिंग करने एवं चाकू मारकर घायल करने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए नौगछिया एसपी को आवेदन दिया है। नौगछिया बाजार से मोटरसाइकिल की चोरी। नौगछिया बाजार से अज्ञात चोरों के द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। मोटरसाइकिल चोरी के संदर्भ में मोटरसाइकिल के मालिक गोपालपुर थाना क्षेत्र के कालंदी नगर निवासी रवि कुमार पिता विजय सिंह ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध नौगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दिए आवेदन में उन्होंने बताया है कि वह अपनी पल्सर मोटरसाइकिल जगदम्बा होटल के पास खड़ी कर होटल में गया था। होटल से निकलने के बाद देखा तो मोटरसाइकिल गायब थी। मोटरसाइकिल की खोजबीन की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। मोटरसाइकिल चोरी होने के संदर्भ में पुलिस मामले की प्राथमिकी कर छानबीन में जुट गई है। नवगछिया गोपालपुर विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए जदयू की समीक्षा बैठक। जनता दल यूनाइटेड नवगछिया संगठन जिला के जिला कार्यालय में गोपालपुर विधानसभा में होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन की समीक्षा बैठक जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि गोपालपुर विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन 4 जनवरी को नवगछिया हाईस्कूल प्रांगण में दिन के 11 बजे से होगा। गोपालपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार भेजे गए जेल। गोपालपुर पुलिस ने अलग अलग मामले के 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर श्रीकांत भारती ने बताया कि मंगलवार की दोपहर को सैदपुर के रतनगंज की विलक्षणी देवी को बाइक से ठोकर मारकर गंभीर रूप से घायल करने के आरोपित अखिलेश मोदी पिता स्वर्गीय हरि मोदी गोड़ियारी सैदपुर निवासी तथा शराब पीकर हुड़दंग करने के आरोपित गोड़ियारी सैदपुर निवासी लड्डू कुमार पिता बुचकुन मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। नवगछिया धीरज और सुभाषीष बने मंडल महामंत्री। नवगछिया भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने अपने मंडल कमेटी का विस्तार करते हुए बुधवार को 5 पंचायत अध्यक्ष एवं 2 प्रखंड महामंत्री का घोषणा किया। धीरज कुमार सिंह और सुभाषीष कुमार को नवगछिया प्रखंड भाजपा का मंडल महामंत्री बनाया गया है। वहीं 5 पंचायत में पंचायत अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, जिसमें तेतरी से सम्राट राय, जमुनिया पंचायत से मितेश रंजन, पकड़ा पंचायत से पंकज कुमार सिंह, खगड़ा पंचायत से मदन सिंह, खैरपुर पंचायत से पंकज जायसवाल को पंचायत अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। वहीं मंडल अध्यक्ष ने एक बैठक कर नव मनोनीत सदस्यों की घोषणा की है। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष सुबोध सिंह कुशवाहा, जिला महामंत्री अजीत कुमार, राकेश कुमार चौधरी, सोनू कुमार, विद्यानंद राय, अजय कश्यप, सुजीत कश्यप, संजीत कुमार, वशिष्ठ कुमार, सौरभ कुमार सिंह, प्रभाष कुमार सहित कई अन्य मौजूद थे। नवगछिया सड़क दुर्घटना में घायल युवक की हुई मौत। नवगछिया थाना क्षेत्र के 14 नंबर सड़क पर 19 दिसंबर को सड़क दुर्घटना में घायल हुए युवक इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के छोटी पर्वता निवासी विक्रम कुमार 22 वर्षीय पिता माधव मंडल की मौत इलाज के दौरान हो गई। दुर्घटना में घायल हुए युवक की मौत के बाद नौगछिया पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया। वहीं घटना के संदर्भ में मृतक युवक के पिता माधव मंडल के बयान पर अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई है। मालूम हो कि 19 मार्च को विक्रम कुमार को रंगरा से इस्माइलपुर लौटने के क्रम में 14 नंबर सड़क पर किसी अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा उसे इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भर्ती कराया। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में विक्रम की स्थिति को गंभीर देखते हुए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया था। मायागंज अस्पताल में भी उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए सिल्लीगुड़ी रेफर कर दिया गया था। सिल्लीगुड़ी के अस्पताल में प्रतिदिन 30,000 रुपए खर्च
आने की बात सामने आने पर परिजन निराश होकर विक्रम को लेकर वापस नौगछिया लौट रहे थे। इसी बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। विक्रम की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। युवक की मौत से गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है। राज्य बॉल बैडमिंटन टीम के चयन प्रतियोगिता के लिए नौगछिया के खिलाड़ी हाजीपुर रवाना। एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल गायघाट मोतिहारी पूर्वी चंपारण में 24 से 26 जनवरी तक आयोजित होने वाली दूसरी युवा राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता बालक व बालिका में भाग लेने वाली बिहार टीम के चयन के लिए एक दिवसीय चयन प्रतियोगिता का आयोजन 26 दिसंबर गुरुवार को कुशवाहा आश्रम हाजीपुर वैशाली में होगा। इस चयन प्रतियोगिता के लिए बुधवार को नौगछिया पुलिस जिला बॉल बैडमिंटन संघ के 5 खिलाड़ी हाजीपुर के लिए रवाना हुए। इस बात की जानकारी देते हुए बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन संघ के प्रवक्ता सह जिला सचिव ज्ञानदेव कुमार ने बताया कि बालक वर्ग में पुष्कर कुमार, अविनाश कुमार, अंकित कुमार शर्मा, मुकुल कुमार एवं अजीत कुमार शामिल हैं।